नॉट स्कैम, इसका नारा दे करके डीट के जितने भी बच्चे हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से ही हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिस्सों में नीट के परीक्षा परिणाम को रद्द करने की मांग हो रही है, गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है और लगातार इसे रद्द करने की मांग तेज होती चली जा रही है। जंतर मंतर में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि आप पहले तो बोर्ड भी देख सकते हैं कि नीट सत्याग्रह पर ये बैठे हैं और साथ ही उन्होंने लिखा है कि एग्जाम है, स्कैम नहीं है, इसी का नारा दिए हैं। विरोध के स्वर हो गए हैं। आप यहाँ पे पहुंचे क्या? आप भी एग्जाम में बैठे थे? जी नहीं मैम, मैं 4 दिन बाद एग्जाम में बैठने वाला हूँ, हाँ। यूपीएससी का, हाँ। आज नीट का पेपर ऐसे धांधली में फंस गया, कल को एसएससी का फंसेगा, उसके बाद यूपीएससी का फंसेगा। बच्चों को सपोर्ट करने के लिए दूसरे भी बच्चे पहुंचे हैं। आप भी यहाँ पे नीट में जो गड़बड़ी हुई है उस गड़बड़ी को लेकर के न्याय की गुहार कर रहे हैं, कब तक बैठे रहेंगे? मैम जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। हमने न्यायपालिका में याचिका दायर की थी, न्यायपालिका से हमें उम्मीद थी कि हमें न्याय मिलेगा पर नहीं मिला। वहाँ से बोल रहे हैं कि री एग्जाम नहीं हो सकता। एग्जाम दिया था मेरे भाई ने, दिया था। भाई ने दिया था। कैसा रहा उनका प्रदर्शन? उनका प्रदर्शन अच्छा था, 627 नंबर थे उनके और क्वालिफाई कर रहे थे। अब क्वालिफाई नहीं कर रहे, अब तो 1 लाख से ऊपर जा रहे हैं, तो क्वालिफाई करना था। 40,000 से नीचे रहते तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलता। आज उनको गवर्नमेंट कॉलेज क्या प्राइवेट कॉलेज मिलने की भी आशंका नहीं है। जी मैम, कहना है कि गवर्नमेंट कॉलेज तो दूर की बात है, प्राइवेट भी नहीं मिल पा रहा है और अच्छा खासा मार्क्स लेकर के आए हैं, क्वालिफाइंग से ज्यादा मार्क्स लेके आए हैं, लेकिन गड़बड़ी की वजह से काफी दिक्कत हो रही है। आप कहाँ से आई हैं? मैं पलवल से आई हूँ। हाँ, क्या रहा एग्जाम का नतीजा? रीनीट होना चाहिए। ये कि उन्होंने ऐसे गड़बड़ी करी है, घोटाला करा है नीट में बहुत बड़ा, तो हम जस्टिस चाहते हैं, दोबारा से नीट हो। आपने भी परीक्षा में आप बैठी थी, कितने अंक आए? मेरे 640 आ रहे थे एक्चुअल में, पर उन्होंने मार जो अभी एडिट करके दी थी मुझे एनटीए ऑफिस से, उसमें आ रहे हैं कुल 84 नंबर दिए हैं। अच्छा। हाँ, मैंने जब उन पे ईमेल के उधर से डाला था, घर से ईमेल जब आपने भेजा तो कितने दिनों बाद रिप्लाई आया और क्या रिप्लाई आया? कुछ रिप्लाई नहीं आया। हमने उनसे कही थी तो कही थी, बहुत सारे बच्चे होते हैं, हम हर बच्चे का वो रिप्लाई नहीं करते। आप इनके मतलब पिताजी हैं? कहाँ से? आप भी हरियाणा के पलवल से आए हैं? अच्छा, पलवल के ही देखिए झज्जर इलाके की बात करो तो झज्जर का ही एक सेंटर है जहाँ पे कहा जा रहा है कि कई बच्चे जिनका रोल नंबर 1 ही 7 था उनको मतलब 600 से अधिक नंबर लेकर के आए हैं। एक ही है जिसमें एक ही सेंटर के 720 नंबर थे। झज्जर का कोई सेंटर है वहाँ पर? तो जी ये बताओ, जहाँ 1 ही 7 7 बच्चे एक ही सेंटर में बैठ रहे हैं, क्या भारत में सबसे इंटेलिजेंट वही बच्चे हो गए? जबकि पूरे भारत के अंदर हर बार नीट में 2 या 3 बच्चे टॉप करते हैं जिनके 720 में से 720 अंक होते हैं। ये जी सरासर बच्चों के गेल गलत हो रहा है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरी बच्चियों के जी 680 नंबर थे अर्फिना के और साइना के जी 630 नंबर थे। ये दोनों बेटी आपकी है, दोनों इस बार नीट की परीक्षा में बैठी थी और आपका कहना है कि 600 से अधिक मार्क्स थे? हाँ जी, 600 से अधिक मार्क थे जी। जिन्हें जब इनकी आंसर की डाली थी उस टाइम हमने इनको इनके क्वेश्चन पेपर से वो मिलाई थी, 680 साइना अर्फिना के बैठ रहे थे, 630 नंबर साइना के बैठ रहे थे। हम बड़े खुश हुए जी, दोनों बेटियों को मेडिकल कॉलेज मिल जाएगी। जब हमने मेडिकल कॉलेज की ये सोचा बहुत बढ़िया है, लेकिन इन्होंने जी क्या काम करा, जो इनने पूरा वो करा है, जिस दिन काउंटिंग हो रही थी, इलेक्शन 14 तारीख को आ रहा था, 14 तारीख के बजाय इनने 4 तारीख को रिजल्ट डाल दिया, 10 दिन पहले ही रिजल्ट आउट, पहले ही रिजल्ट आउट कर दिया। और इसमें जी सबसे बड़ी बात यह है, चलो धांधली होती है, 720 में से 720 नंबर आते हैं, लेकिन जिन बच्चों के 680 नंबर हैं वो नंबर 55 कहाँ से कर दिए ये बताओ? जो बच्चे 680 नंबर वालों का भी 55 कर दिया है नंबर ये इनका। जी हाँ, मैं एग्जाम में बैठी थी, मेरे 680 मार्क्स आ रहे थे, एक्सपेक्टेड स्कोर था। एग्जाम सेंटर में बैठी थी तो कुछ ऐसा लगा कि मतलब कुछ टीचर्स है जो कुछ स्टूडेंट को ज्यादा फेवर कर रहे, कुछ ऐसा भी लगा? क्योंकि देखिए गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं तो सेंटर में सारी चीजें ठीक थी? नहीं, मुझे नहीं लगा, क्योंकि मैंने यहाँ एग्जाम नहीं दिया, मैंने कोटा में कोचिंग ली थी 2 साल, तो मैंने वहीं पे अपना एग्जाम दिया था, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, वहाँ कुछ भी। क्या मांग मिला? अब ये मांगे कि हमें न्याय दिलाया जाए या हमारा दोबारा से रीनीट करा जाए या फिर रिजल्ट पब्लिश किया जाए दोबारा। यहीं पे बैठेंगे अभी, सत्याग्रह है तो आज यहीं पे आप लोग? जी। कब तक रहेंगे?
जी अभी यहीं तक रहेंगे हम काफी टाइम तक, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। बिल्कुल, तो देखिए ये नीट में जो बच्चे हैं जो अपियर हुए थे, साथ ही साथ इनका कहना है कि हरियाणा से आते हैं, हरियाणा के पलवल से आते हैं। इनका कहना है कि इनकी दोनों बेटियों ने नीट की परीक्षा दी थी, 680 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन जब रियल में मार्क्स आया, जब इन्होंने एमआर शीट में जब कैलकुलेट किया है तो 680 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन जब वाकई में जब रिजल्ट सामने आया, नतीजा सामने आया, तो मात्र 80 मार्क्स इन दोनों ने क्वालिफाई की है। ऐसे में ये लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं और इनका कहना है कि जब तक इन्हें न्याय नहीं मिल जाता है वो यहीं पे इसी सत्याग्रह में बैठे रहेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहीं पे रहेंगे, यहां से कहीं नहीं जाएंगे और न्याय लेकर के ही यहां से वो अपने घर जाएंगे। विजय सलील के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत।